आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज कवर करेंगे 25 से 26 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका सारा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस की 98 के नाम से आपको टेलीग्राम का लिंक चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो टेलीग्राम का लिंक या फिर पीडीएफ का लिंक दिया गया है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता है 1999 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया था, और वो दिन आप सभी का आज ही था 26 जुलाई। यानी 26 जुलाई को हम सभी कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाते हैं प्रतिवर्ष। और इसी मौके पर एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिपटा हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बौद्धिक संपदा फाइलिंग में शीर्ष पर रहा है? अब पहले आप सभी यह समझो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? हमने यह वर्ड काफी बार सुना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं आप सभी को सरल भाषा में। मान लो आपकी, मान लो भारत में ना, आप सभी को पता होगा बाइक जो है वो पेट्रोल या डीजल से चलता है। मान लो भारत ने अचानक से एक ऐसा बाइक, ऐसा मोटरसाइकिल का निर्माण कर दिया जो पानी से चल रहा है। इसका मतलब ये टेक्निक निकाला गया, वो भारत के द्वारा निकाला गया है। इससे पहले ये टेक्निक कहीं नहीं निकला है, तो वो भारत के लिए क्या हो गया? भारत के लिए वो जो हो गया वो बौद्धिक संपदा हो गया। और यह जो है कहीं ना कहीं विश्व निर्माण में यानी विश्व के कल्याण में जो है वो बहुत काम आने वाला है। तो इसी मामले में ऐसा ऐसा काम करने में जो है वो कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा है? तो वो टॉप पर रहा है आपका चीन, ऑप्शन नंबर आपका डी। और टॉप 10 के अंदर भी इंडिया का रैंक नहीं है, ठीक है? अभी टॉप 10 का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर अभियान शुरू किया है? और यह शुरू किया गया है आपका तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है ना कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम और राजधानी क्या है। यह चार चीज आपको तेलंगाना के बारे में कॉमेंट कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, स्टार्टअप किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए इलाज के लिए पोर्टेबल अस्पताल विकसित की है? अब पहले आप यह समझो पोर्टेबल क्या होता है। आप सभी को पता है जो सामान, जो चीज हम लोग अच्छे से एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप क्या है, लैपटॉप कौन सा डिवाइस है, एग्जाम में पूछता है, तो आप बोलिएगा लैपटॉप जो है ना वो पोर्टेबल डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या, कौन सा डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है। तो वो डिवाइस, वो उपकरण जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर मूव यानी एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। तो कोविड-19 का ऐसा अस्पताल बनाया गया है, और वो किस संस्था के द्वारा? तो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया, आपका ऑप्शन नंबर डी। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के एस्को समुद्री जहाज के साथ मिलकर स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक जहाज के निर्माण के लिए एक अनुबंध यानी एक डील साइन किया है? तो नॉर्वे के साथ, ऑप्शन नंबर सी। ये नॉर्वे का जो जहाज आपको दिखाई दे रहा है समुद्री जहाज, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपका एस्को है, इसके साथ जो है जो कोची शिपयार्ड है केरला का, जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके इनके साथ मिलकर जो है एक इलेक्ट्रिक जहाज बनाएगा, और ये जो है वो नॉर्वे को जो है वो एक्सपोर्ट यानी ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं नॉर्वे का जो राजधानी है वो क्या है, तो वो है आपका ओस्लो। और नॉर्वे का मुद्रा क्या है, तो क्रोन। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, इर्ना सोलबर्ग, ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस संस्था ने एक पूरी तरह से स्वदेशी यानी मेक इन इंडिया
P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो सैन्य स्टेयर को जो है वो गिराने में सक्षम है। अब देखो एक्चुअल में सवाल, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सभी समझो, मान लो कभी लड़ाई लग गया किसी देश के साथ भारत का, तो अब जो सड़क है उस रास्ते से अगर मान लो आर्मी को कुछ सामान की जरूरत पड़ गई तो सड़क के रास्ते से पहुंचाने में बहुत टाइम लगेगा और हो सके बहुत मुश्किल भी हो लड़ाई के वक्त। तो इसीलिए एक ऐसा हवाई ड्रॉप सिस्टम बनाया गया है जो 60 टन तक जो है वो आर्मी के सामान को जो है वो लेकर उड़ सकता है और जहां पर जरूरत हो वो सामान गिरा सकता है। याद रखिएगा यह हेवी ड्रॉप सिस्टम जो है जिसका नाम दिया गया P7, यह विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो यह बनाया गया है आपका DRDO के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और DRDO के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो जी सतीश रेड्डी। DRDO का स्थापना कब हुआ था, 1958 में। और DRDO का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आप सभी को मैं और बोलूंगा, सोमवार से शाम को 4 बजे आपके 5000 इंपॉर्टेंट जीके जो आपके एग्जाम में लास्ट 5 साल से बार बार पूछा जा रहा है अलग अलग एग्जाम में, यह क्लास का पहला क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगा, ठीक है, जीके और जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने, पशुपालन और संरचना विकास निधि के लिए सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश की राशि कितनी है यह आपको बताना है, तो वह राशि है आपका 15,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, चीन अपने पहले मंगल जो है आपका अन्वेषण मिशन के लिए निम्नलिखित में से रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है, उसका उस रॉकेट का जो है वो नाम क्या है यह आपको बताना है, तो चीन के द्वारा उस रॉकेट का नाम दिया गया है आपका Long March 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, SBI कार्ड के MD और CEO किसे बना दिया गया है यह आपको बताना है, और इनका नाम क्या है जिसे SBI कार्ड का MD और CEO बनाया गया है, तो अश्विनी कुमार तिवारी। क्या मैंने क्या बोला, अश्विनी कुमार तिवारी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, SCL का नया अध्यक्ष कौन होगा यह आपको बताना है, शिव नडार के रिटायरमेंट के बाद जो है SCL का नया चेयरमैन नया अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, तो इनका नाम क्या है जो आपको पिक में जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, इनका नाम है आपका रोशनी नडार मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN के द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2006 से लेकर 16 के बीच कितने मिलियन लोगों को जो है वो गरीबी से बाहर निकाल चुका है भारत, यानी 2006 से 2016 तक जो भारत है ना वह 273 मिलियन लोगों को जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आ चुका है, यानी गरीबी रेखा से जो है वो बाहर निकाल चुका है भारत। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2024 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के संचालन का समर्थन करने के लिए 1 अरब का अनुबंध यानी 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीता है, यानी वो आपका कंपनी कौन है जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो रॉकेट सैटेलाइट आपका जितने भी नासा से जुड़े हुए जितने भी टेक्नी से जुड़े हुए सामान है वो जो है मैन्युफैक्चर करता है, तो अमेरिका की कंपनी जो है आपका बोइंग, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है, और इस बार का जो विषय है वह है आपका बेहतर भविष्य का निर्माण, ऑप्शन नंबर आपका ए। और इस मीटिंग में यह भी बोला गया है $20 बिलियन, यानी याद रखिएगा $20 बिलियन तक जो है वो निवेश किया जाएगा कहां पर, भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी दिया गया है आपका नई दिल्ली केंद्र शासित सरकार के द्वारा। और एक बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। अगर बात करूं वहां का जो
दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? तो मैंने बताया है बहुत बार आप सभी को, धीरू भाई नारंग भाई पटेल। मैंने क्या बोला? धीरू भाई नारंग भाई पटेल, याद रखिएगा। हालांकि रात को 11:30 बजे वाले क्लास में ये सब टॉपिक जो है मैं पानी की तरह क्लियर करवा देता हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने 5 सितंबर 2020 से स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, और वो भी उस समय निर्णय लिया गया है जबकि कोरोना वायरस, जबकि COVID-19 का सबसे ज़्यादा प्रकोप जो है वो भारत के मैप में साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर आपका आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो या फिर कर्नाटका हो, केरला में भी अब जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। उस समय ये डिसीजन लिया गया है कि सितंबर महीने से जो है वहाँ के स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? बिश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। और कैपिटल अमरावती। और जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है वहाँ के हाई कोर्ट के, तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? अपना पहला एवर, फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया गया है किस देश के द्वारा? तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के द्वारा। और उस सैटेलाइट का नाम क्या दिया गया है? तो उस सैटेलाइट का नाम दिया गया है आपका NSC-2, ये आप याद रखिएगा, उस सैटेलाइट का जो है वो नाम दिया गया है। और यह लॉन्च किया गया है कहां से? तो स्पेस स्टेशन स्पेस एक्स से जो है वो लॉन्च किया गया है। और एक बात, साउथ कोरिया की राष्ट्रपति का नाम क्या है? मून जे इन, ठीक। वहां का मुद्रा साउथ कोरियन ओन इस्तेमाल करते हैं वहां पर मुद्रा। और वहां का राजधानी क्या है आप सभी का? तो सियोल, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब का, 25 और 26 जुलाई का। इसका सारा PDF आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।